इंग्लिश इन इजी के चैप्टर 3 के पार्ट 5 में हमने नकारात्मक वाक्यों के संबंध में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक वाक्यों के संबंध में। प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले एक बात और बता दूं कि बहुत जल्द मैं ऑनलाइन क्लास शुरू करने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर के लिए। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए फेसबुक पर मैंने एक ग्रुप बना रखा है, इंग्लिश स्पीकिंग लर्नर्स ग्रुप। आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द मैं इंग्लिश स्पीकिंग का भी क्लास ऑनलाइन शुरू कर दूंगा। आइए एक नज़र डालते हैं सबसे पहले सरल वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य में अंतर क्या है, उसके अंग्रेजी अनुवाद में अंतर क्या है, इसको समझ लेते हैं। वह जा रहा है, वह जा रहा है का अंग्रेजी अनुवाद होगा ही इज गोइंग। तो क्या वह जा रहा है का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? जिस प्रश्नवाचक वाक्य का जवाब हाँ या ना में मिल जाए उसमें हमें किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सहायक क्रिया को कर्ता के स्थान पर और कर्ता को सहायक क्रिया के स्थान पर लेकर चले जाएंगे। क्या वह जा रहा है हाँ या नहीं, इसका जवाब दो ही में से एक होगा, या तो हाँ होगा या नहीं होगा, तीसरा इसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में जब इसका हम अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो सहायक क्रिया पहले स्थान पर और सब्जेक्ट अर्थात कर्ता दूसरे स्थान पर। किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य में यह बात लागू होगा। जिस वाक्य का जवाब हमें हाँ या ना में नहीं मिले उसमें भी यह नियम लागू होगा। सिर्फ फर्क यही होगा कि जो प्रश्न की अंग्रेजी होगी वही उसके पहले जुड़ जाएगा। जैसे वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। ऐसी स्थिति में कहाँ की अंग्रेजी वेयर इस वाक्य में हम जोड़ देंगे। वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग। वह क्यों जा रहा है, वाई इज ही गोइंग। वह कैसे जा रहा है, हाउ इज ही गोइंग। वह कब जा रहा है,
When is he going? सिर्फ कहाँ, क्यों, कैसे, कब की अंग्रेजी इस वाक्य में जुड़ गई, क्योंकि इसका जवाब हमें हजाना में नहीं मिल रहा है। आइए गौर करते हैं कुछ और वाक्यों पर। वह जा चुका है। He has gone. He has gone. क्या वह जा चुका है? सहायक क्रिया पहले, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता दूसरे स्थान पर। Has he gone? क्या वह जा चुका है? वह कहाँ जा चुका है? Where has he gone? वह क्यों जा चुका है? Why has he gone? वह कैसे जा चुका है? How has he gone? वह कब जा चुका है? When has he gone? कोई परिवर्तन नहीं। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ऐसे वाक्यों में जिसमें कि जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता है, कर्ता तीसरे स्थान पर आ जाएगा। अब देखिए, इसे प्रमाणित कर देता हूँ मैं। जहाँ तीसरे स्थान पर नहीं आ रहा है, वहाँ इसे हमें तीसरे स्थान पर लाना होगा। इसके लिए चाहे हमें कोई अन्य शब्द ही जोड़ना क्यों न पड़े। जैसे वह जाता है का अंग्रेजी अनुवाद होगा ही गोज। तो क्या इसे हम, यहाँ तो हमें सहायक क्रिया है नहीं कोई, ता है बिन नौकर का आता, अर्थात जिस वाक्य के अंत में ता है उसमें सहायक क्रिया ई जे मार वाज वेयर या हैज हैव का प्रयोग नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अब हम क्या करेंगे? तो क्या हम लिख दें कि गोज ही? ऐसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि कर्ता हमेशा, सॉरी, क्रिया हमेशा तीसरे स्थान पर ही रहेगा। अब हम वही करेंगे जो हमने नकारात्मक वाक्य में किया था। नहीं की अंग्रेजी नोट को तीसरे स्थान पर लाने के लिए हमने डू, डज या डिड का प्रयोग किया था। यहाँ भी हम वही करेंगे। वह जाता है, ही गोज। क्या वह जाता है? डज ही गो। डज यहां हमने अपने तरफ से जोड़ा। क्यों जोड़ा? अभी इस उलझन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है।
आप सिर्फ इतना जाने कि जोड़ा। या ये समझ लीजिए कि आपको जोड़ना है, क्यों जोड़ना है ये सब जानने की जरूरत नहीं है। वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो, वह क्यों जाता है, व्हाई डज ही गो, वह कैसे जाता है, हाउ डज ही गो, वह कब जाता है, व्हेन डज ही गो। कहने का अर्थ ये कि ये तीसरे स्थान पर हर हाल में आएगा, जिस वाक्य का जवाब हाँ या ना में ना मिले। ऐसा हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आपको ये डज या डू के बारे में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन न रहे। मेरे यह कह देने से कि यह तीसरे स्थान पर ही रहेगा, आपको याद आ जाएगा कि यहाँ हमें कुछ न कुछ डालना है, क्योंकि इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले स्पष्ट कर दूं कि आप इस बात को जरूर ध्यान रखें कि जिस वाक्य का जवाब हमें हाँ या ना में नहीं मिलता, उसमें तीसरे स्थान पर हमें कर्ता को रखना है। दूसरी बात, जिसमें सहायक क्रिया नहीं है, उसमें डू डज या डीड का प्रयोग करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।